अपने डांसिंग स्टाइल से यातायात संभालने के लिए मशहूर इंदौर के यातायात सिपाही रणजीत सिंह का नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये डांस करने वाला सिपाही एक ऑटो चालक के बाल पकड़कर लात मारता नजर आ रहा है। सिपाही की इस बदतमीजी के बाद ऑटो वालों ने इस सिपाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बार सिपाही को प्रशंसा के बजाय बदनामी मिल रही है और बड़े अधिकारी भी सिपाही की हरकत से नाराज नजर आए। वायरल वीडियो में सिपाही रंजीत ऑटो रिक्शा चालक को पीट रहा है। हालांकि गलती ऑटो चालक की भी थी, वह रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसे देखकर सिपाही ने आपा खो दिया। लेकिन इस सिपाही को भी कानून ने किसी के भी साथ इस तरह मारपीट का अधिकार नहीं दिया है। रंजीत ने पहले चालक के बाल खींचे, तमाचा जड़ा, फिर लात मारते हुए नजर आए। पहले देखिए सिपाही रंजीत सिंह की गुंडागर्दी। रंजीत सिंह अपने डांसिंग स्टाइल में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खासे चर्चित हैं। इस कारण रंजीत सिंह बड़े अधिकारियों और मीडिया की निगाहों में चढ़े हुए हैं। थोड़ी सी लोकप्रियता ने रंजीत सिंह का इतना दिमाग खराब किया कि उन्होंने लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इस मसले को लेकर इंदौर में यातायात पुलिस स्टेशन के बाहर ऑटो संघ ने प्रदर्शन किया और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनाक्रम की जांच के निर्देश दिए हैं। हो सकता है कि अगर वो दिन भर की ड्यूटी के बाद अगर कोई नियम उल्लंघन कर रहा हो तो अगर उन्होंने जो भी जिस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए पुलिस वालों से जो अपेक्षा की जाती है तो 100% नहीं रखा हो। 22 सेकंड के वीडियो में यातायात सिपाही ने ऑटो रिक्शा रोका और चालक से कहा सुनी हुई, फिर उसके बाल खींचे। चालक ने इस पर आपत्ति ली और अपना चालान बनाने को कहा। उसकी बात सुनते ही सिपाही का गुस्सा चढ़ गया और ऑटो चालक को दो बार लात मारी। इसके चलते कुछ देर के लिए यहां यातायात बाधित हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।